हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं अभिनव समर्थ फैमिली ब्लॉग। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने राजमा और दाल की मिक्स करके सब्जी बनाई है। उनको ये राजमा और दाल मैंने कम से कम 4-5 घंटे भिगो अच्छे से भिगो लिए हैं। और ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। इनको मैं एक कुकर में उबलने के लिए रख लूँगी। इसमें मैंने एक तेज पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायची और पानी ऐड कर लूँगी इसमें अच्छे से। ये देखिए, पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार डाला है। और इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 4 से 5 सीटी लगा लेंगे उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 से 5 सीटी लगवा ली हैं और ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। ये देखिए, इसके बाद मैंने ये ली हैं 2 बड़ी प्याज, 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। में तेल गरम कर लेंगे और इसमें सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा, थोड़ा सा हींग चुटकी भर। और ये जब चटकने लगे, ये देखो इसमें मैंने हींग ऐड किया। इसके बाद मैंने ये देखो, ये रफली कट कर लिया है इनको, प्याज को। और इनको अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी तेल में। जब ये थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल इनको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा, उसके बाद इसमें हम ऐसे ही रफली कट करके टमाटर और दोनों हरी मिर्च को भी डाल लेंगे। और इनको भी थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे। और थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है नमक, क्योंकि हमने उबालते टाइम राजमा में भी नमक डाला हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से नमक डालना है। और ये देखो, ये अच्छे से पकने लगे हैं। जब ये पक जाएंगे, इनको हम अच्छे से इनका एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में, जब ये ठंडा हो जाएगा। इसमें देखो, मैंने अदरक भी ऐड किया है, इसको भी अच्छे से पीस लिया था। और जब इनका पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के बाद देखो, मैंने फिर वही कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया। और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसमें देखो, ये जो मैंने प्याज और टमाटर और अदरक, प्याज का, मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, वो भी मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया। और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये भी थोड़ा सा ऐसे इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इस बढ़िया से इसको पका लेंगे। ये देखिए, जब तक ये इसमें देखिए, कश्मीरी कसूरी मेथी भी मैंने ऐड की है। और इसको अच्छे से चलाते हिलाते हुए पका लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये अच्छे से, अब तेल छोड़ने लगा है देखो साइड में। उसके बाद हम इसमें ये उबले हुए राजमा और दाल की डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा, ये अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा पतला करने के लिए इसकी प्योरी, इसको पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसमें एक उबाल खदका लगवाएंगे ढक के। ये देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे बन गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।